हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं जाऊंगी करियर विल ऑफिस और कुछ मिठाई लेकर के जानी है क्योंकि वहां लोग वेट कर रहे हैं। स्पेशली मुझे बोला गया है, लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो वहां जो और भी लोग हैं उन लोग का भी फोन आया कि आप आ रहे हो क्या, आप मिठाई लेके आना। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो गोपाल वर्मा सर भी कह रहे थे कि ऑडी की मिठाई इतनी अच्छी लगी, बहुत मीठी थी, कई दिन चली। तो वो सार्केस्टिकली कह रहे थे ये बात क्योंकि मैं भूल गई थी मिठाई लेके जाना, तो अभी लेके जाऊंगी। तो एक इंटरव्यू लेना है, एक मीटिंग है और थोड़ा सा मिठाई का वितरण कर देंगे तो खुशी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब न्यू ईयर भी है और थोड़ी सी कार भी ली थी, छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो बांट के ज्यादा खुशी फील होती है जिनको। चलिए चलते हैं, मिठाई लेंगे फटाफट से और फिर निकलेंगे। मिठाई तो अभी हमने ले लिया, बस निकलेंगे। तो अभी हम घर से निकल के आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज। तो यहाँ पे बहुत जाम रहता था पहले, अभी सिग्नेचर ब्रिज की वजह से एकदम भाग के जाते हैं यहाँ से बिना ट्रैफिक के। और ये रात को लगता भी बहुत सुंदर है। पहले मैं यहाँ स्कूटी से आती थी, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी बहुत ही अच्छा मौसम है, स्कूटी पे बढ़िया लगता था एकदम। और मुखर्जी नगर क्योंकि जाना होता रहता था हमेशा से ही, फिर करियर में भी कुछ दिन क्लासेस वहीं से ली थी। तो ये अपना आप में एक एक्सपीरियंस है। ये रोड अब मेरे लिए ऐसा हो गया, बहुत नॉस्टैल्जिया देता है ये रोड मुझे, मतलब ये पूरा जो रास्ता है, चाहे वो जीटीयू नगर जाना हो, मुखर्जी नगर जाना हो, या उस साइड नॉर्थ कैंपस की तरफ जमीन पे जाना होता है, बहुत सारी मेमोरीज है और बहुत कुछ सीखा भी है यहाँ से। कह सकते हो ग्रो होने वाली एक जगह है, अपने आप में है तो ऐसी जो आपको एंग्जाइटी दे अगर आप देख के वहां चले जाए मुखर्जी नगर, तो वो अपने आप में इतना शोर शराबा या बहुत ही ऐसा लगेगा आपको कि ये अलग ही दुनिया है, बट वो सिखा भी सकती है बहुत कुछ। सामने ही है करियर विल और यहाँ से कट लेके राइट पहुंचते हैं और मिलवाते हैं आपको सबसे। ठीक है, संडे को भी काम है। अच्छा, संडे को भी बुला लेते हैं। संडे फ्री नहीं मिलता है क्या? एक बार आ चुकी है। हेलो सर। अच्छा, आपने जरा पहली बार जब मिले थे सेम था, वो चीज नहीं। तो ये न्यू ईयर गिफ्ट आने वाले हैं सभी टीचर्स के लिए। हेलो। और यहाँ पे जयदीप सर हमारे साथ और सर नए ऑफिस में, नया साल भी, हैप्पी न्यू ईयर सर। अरे आपको भी, हाँ नए साल पे भाई हमारी ये पहली मुलाकात है, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग नए साल पे। पिछले साल मुलाकात पिछले साल होगा, ठीक है। तो पिछले हफ्ते पिछले साल हमने मुलाकात की थी और आपकी लाइफ में भी नया साल, ठीक है, बेहद अच्छा रहे क्योंकि किसका तो पता नहीं चला यार। और है अगर आपको अच्छा टीचर बनना एक न्यू ईयर है और पूरा ऑफिस में खाएंगे, सब खुशियां मनाएंगे, नया ऑफिस भी है। हाय मैम, कैसे हो? अभी हम ये डिस्कशन यही खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे निमार आपसे। निमार अच्छा ही करेंगे जीवन में और आप सभी भी अच्छा ही करें, ऐसी मेरी बेस्ट विशेस हैं इस नए साल में। पेन चाहिए, लिखते हो कभी? ये अच्छा है, मुझे लगा इन लोग को देने का फायदा नहीं, ये नहीं यूज करेंगे।
यहाँ पे दीप सर जो गया है हमारे ब्लॉग में आगे सर आप साढ़े छह बज गया सबका पैकअप हो गया सब घर जा रहे हैं और हम भी घर चलते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल नाम आपका अच्छा 9 बजे तक चलेंगी तो ये आप अनलिमिटेड लोग बन सकते हो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ मैं काम करता हूँ यहाँ पे अच्छा ये सही तो आपके नाम फिर से मणि डिफरेंट नाम है याद रखता है पेन आपके लिए वैसे मैं भिजवाए नहीं मिले आपको नहीं देखो कैसे कैसे लोग हैं आपके लिए चलते हैं भाई भागते हैं साढ़े छह बजे हमारी भी क्लास है अरे उसकी मिठाई थैंक यू सो मच ये हमने बांट के खाई और सबसे पहले तो आपने खिलाती थी वो मिठाई अभी आप बोल रहे थे मिठाई खा सकते हैं भाई तो मैंने बहुत सारी लेके आई हूं मिठाई खा रहे हैं लाल है आपका मजा लाल बाय मिठाई पहले हो गया मैं भेज देता हूं आपको अरे चाहिए क्या आप मेहनत बहुत करेंगे अरे पूरा दो पूरा कैसे खाऊंगा शायद फाइव बार ना कोई तो मैंने कहा उनके नीचे चले जाते कोई बात नहीं तब तो तो भजन लाल जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम दिया कौन से एग्जाम फर्स्ट टाइम सीटेट दिया सीटेट दिया फर्स्ट टाइम ये मैं अपनी तारीफ के लिए इनसे दोबारा कहलवा रही हूं एक बार कह चुके हैं मैम की मैराथन क्लास देखी थी एक मैंने और उसमें डेढ़ पेज के मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से 14 क्वेश्चन आए थे कितने कितने पेज के नोट्स डेढ़ पेज एक पेज था एक पेज और डेढ़ बने था एक एक लाइन इतना इतना लिखा था एक पेज था एक और क्लास की जो चार लाइन लिखी हुई थी चार चार क्वेश्चन थे तो अब मैं क्या कहूँ मतलब आंसू आ गए मेरे और अभी अभी नंबर हम कह रहे हैं कि पहला क्रेडिट मैम का बता पहला पहला क्रेडिट मैम का क्योंकि वो मैम की वजह से हुआ दूसरा मेरा मैंने बोला था इनको ये क्लास में जबरदस्ती दिखवा था लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और ये देखो बच्चे पढ़ के आते हैं फिर बहस करते हैं हमसे आके तो अभी हम मिलेंगे राकेश सर से और बहुत बड़े स्टार से मिलाता हूँ मेरे लिए भी बच्चे हैं पर बहुत बड़े स्टार हैं मेरे ऊपर और बहुत बेहतरीन टीचर हैं हम जैसे लोग भी इनकी टीचिंग स्टाइल को देख के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने आप में बहुत बड़ी स्टार है टीचिंग की और मैं चाहूंगा आप में से बहुत सारे बच्चे इनको जानते भी होंगे तो मैं चाहूंगा कि मैम आपको कुछ बातें आपको बताएं जरूर खुद में विश्वास रखे इंसान जब तक अपने साथ नहीं होता ना तब तक जमाना भी साथ नहीं आता तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखे और काम करते रहना क्योंकि लोग ही तो कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हैं वो इंसान ही तो है उन्होंने खुद पे काम ही तो किया है पिछले 5 साल पहले आप उनको देखते हैं कुछ और होते हैं 5 साल बाद देख रहे हैं तो कुछ और है क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया है बाय बाय तो हमारे साथ है हैरी पॉटर 2.0 शुभम तो अभी बहुत अच्छा एक डिस्कशन रहा राकेश सर से मिली अभी चलेंगे घर की तरफ आज कई सारे टीचर्स से मिली कुछ को आपके सामने कैमरा तो मिलवाया मैंने खुद से इंटरव्यू भी लेना था अब घर आएंगे आज का पूरा श्रेय शौर्य सिंह को जाता है पूरे दिन से रिकॉर्ड कर रहा है बेचारा और चलो सामने है आयशा है ना वो गाने कौन सा आयशा सुनाना है ना तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अब हम पार्किंग में और फटाफट से घर पहुंचे दौड़ दौड़ के क्योंकि क्लास के लिए आज और सौरभ सिंह चले चले क्या थक गए आज नहीं थका तो बोर हो गए बोर भी नहीं देखा अलग अलग चीजें देखने को मिली हाँ। अलग अलग टीचर्स मिले हैरी पॉटर अच्छा था हैरी पॉटर अच्छा था हैरी पॉटर भैया है वो बहुत सारे टीचर्स से मिली मैं
और गोपाल सर आज नहीं मिले और गोपाल सर क्यों ठहरे, गोपाल सर की मिठाई रह गई, बट उनको शायद मिल गई होगी अगर वो आए होंगे ऑफिस तो, बट पता करना पड़ेगा नहीं तो अगली बार फिर सर कहेंगे कि मिठाई नहीं मिली। खैर चलो फिर छोरा मैप लगा लो, आप सबको बाय कहते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे कुछ कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ। बाय बाय।